तो हम लोगों ने ऑयलर थ्योरम के एप्लीकेशंस दिए थे, उसी प्रोसेस में जो हमने किया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा रिजल्ट है, कल जो हमने किया था उसी का एप्लीकेशन है। इफ ए हैज ऑर्डर के मॉड्यूलो एन, ए का ऑर्डर जो है के आ रहा है मॉड्यूलो एन पर 10, द इंटीजर्स कौन से इंटीजर्स, ए स्क्वायर एंड सो ऑन ए टू द पावर के तक, के ऑर्डर है तो वहां तक। आर इनकॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो, ये हमें आंसर देना है। तो जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया पहले मैं रिकॉल करा देता हूं आपको। हमने कहा था कि ए आई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए टू द पावर जे, ए टू द पावर आई कॉन्ग्रुएंट टू ए टू द पावर जे मॉड्यूलो एन इफ एंड ओनली इफ आई इज कॉन्ग्रुएंट टू जे मॉड्यूलो के, मॉडल वेर के इज द ऑर्डर ऑफ ए, ट्री क्या है, वेर ट्री इज द ऑर्डर ऑफ ए मॉड्यूलो एन। ये रिजल्ट हमारे पास है, बस इसी टाइप यही अप्लाई होना है। तो कोई भी अगर मैं दो ले लूं, हमारे पास लेट ऑब्वियस रिजल्ट है आई और जे, मैंने कोई दो ले लिया, आई और जे जो है ऐसे हैं कि वो वन से लेकर थ्री के बीच में ही कोई है उसमें। तो अगर मैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर ए टू द पावर के है यहाँ पर, तो अगर मैं अब ए टू द पावर आई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए टू द पावर जे मॉड्यूलो एन लिखता हूं, तो फिर आप ये कहेंगे कि ए टू द पावर, यहां से आई इज कॉन्ग्रुएंट टू जे मॉड्यूलो के हो जाएगा, और फिर आप कहेंगे कि के डिवाइड्स आई माइनस जे। अच्छा, आई और जे दोनों ही के से बराबर या उससे छोटे। अब छोटे वाला केस सोचिएगा कि आई और जे दोनों अगर छोटे हैं तो उनका डिफरेंस तो और भी छोटा हो जाएगा, के उसको किस सिचुएशन में डिवाइड कर सकता है, केवल एक सिचुएशन होगी जब आई और जे दोनों बराबर हो, के जीरो को डिवाइड कर सकता है, वरना क्या के आई माइनस जे को डिवाइड कर पाएगा, आई माइनस जे तो के से छोटा हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं बात, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन आई इक्वल टू जे, और आई इक्वल टू जे होगा तो ए आई टेस्ट कॉन्ग्रुएंट हुआ, फिर ए आई के मतलब हर कोई अपने ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, किसी दूसरे के नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज ऑल ऑफ ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन ए टू द पावर थ्री आर नॉट कॉन्ग्रुएंट या इनकॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एन पर। मैं समझा पाया आप लोगों को नेहा? यस सर, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है सर। चलिए ठीक। अब यहां से ये काफी अच्छा रिजल्ट है, नंबर थ्योरी के हिसाब से तो नया है, लेकिन जिन लोगों ने ग्रुप थ्योरी में किसी एलिमेंट का ऑर्डर पढ़ा है उनके लिए पढ़ा हुआ रिजल्ट है।
हाँ, हमने नंबर थ्योरी में ये अभी तक नहीं किया है, तो थ्योरम काफी अच्छी है। अगर मुझे किसी एलिमेंट का ए का ऑर्डर मिल जाए तो क्या मैं ए स्क्वायर का, ए क्यूब का, ए की डिफरेंट पावर का ऑर्डर डायरेक्टली बता सकता हूं? तो ये रिजल्ट है। इफ द इंटीजर ए हैज ऑर्डर के, के मॉड्यूलो एन हम ले लेते हैं, द इंटीजर ए हैज ऑर्डर के मॉड्यूलो एन, एंड एम ग्रेटर देन जीरो मान लीजिए, या एच ले लेते हैं, एच ग्रेटर देन जीरो, देन ए टू द पावर एच हैज ऑर्डर के अपॉन जी सी डी ऑफ एच कॉमा के मॉड्यूलो एन। ग्रुप थ्योरी में था ऐसा? यस सर, मैंने करा रखा, आप लोग वहां देख सकते हैं। जब किसी एलिमेंट ऑर्डर पता है तो फिर ए का ऑर्डर ट्री है, तो ए स्क्वायर का, ए क्यूब का, ए की पावर समथिंग आप ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये भी आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। वही चीज पढ़ानी है, वहां ग्रुप के कंसेप्ट आते थे, यहाँ उसके बिना काम चला रहे हैं हम लोग। तो जीसीडी हमने मान लेते हैं, लेट जीसीडी ऑफ एच क्रोमाट्री, इसको डी मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डी दोनों को डिवाइड करेगा, डी डिवाइड्स एच एंड डी डिवाइड्स के, इसका मतलब एच इक्वल टू, कोई ऐसा मान लें एच वन टाइम्स डी और के इक्वल टू सम के वन टाइम्स डी, ऐसा मान सकते हैं। विद जीसीडी ऑफ एच वन और के वन कितना हो जाएगा? वन। ये तो जेसीडी की प्रॉपर्टी है, क्लियर है? सो हमें ए टू द पावर एच के बारे में बात करनी है, तो ए टू द पावर एच की पावर अगर मैं के वन कर दूं, तो कैसे लिख सकते हैं? ए टू द पावर एच ही जो है एच वन डी, और के वन की जो है पर के अपॉन डी, तो क्या हो जाएगा? ए की पावर डी से डी कैंसिल, एच वन ट्री, ए टू द पावर ट्री टू द पावर एच वन, लेकिन ए टू द पावर ट्री ए का ऑर्डर के ऊपर आपने लिखा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा मॉड्यूलो एन पर? यहां क्या लिखूं? हेलो, ए का ऑर्डर के है ना, तो ए टू द पावर के वन होगा मॉड्यूलो एन पर, तो ये वन लिखा जा सकता है। आप लोगों को नहीं आ पा रहा है क्या समझ में? अरे भाई, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जवाब ही नहीं दे रहे हैं बच्चे। आ गया, दिस
is a to the power x after bus 1 मिल गए modulo n. ठीक हो गया. अब ए टू द पावर एच का हम ऑर्डर मान लेते हैं. लेट ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर एच बी आर मॉड्यूलो एन पर. अगर ऐसा है देन हमने पीछे थ्योरम पढ़ाई थी यहीं पर कि अगर ए टी पावर एच का ऑर्डर आर है और ए टी पावर एच टी पावर के वन भी वन दे रहा है तो आर डिवाइड्स जस्ट टू. के वन वेरी गुड. अच्छा अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और है ऑल्सो. ये है ऑर्डर कितना के मॉड एन. ये भी पता है तो ए टू द पावर अगर मैं एच आर करूं तो ये ए टू द पावर एच कॉन्ग्रुएंट आर वन मॉड्यूलो एन. ठीक है ना. आपने लिया है ये अजम्पशन अभी ये वाला ए टू पावर एच का ऑर्डर आर है तो आ जाएगा. तो अगर ऐसा होता है दिस एम्प्लाइज ए का जो ऑर्डर है के है और ए टू पावर एच आर भी वन दे रहा है तो फिर के डिवाइड्स एच आर हो जाएगा या नहीं यहाँ पर इसी थ्योरम से. हाँ के क्या है आपने ऊपर लिख रखा है के ये था. देखिए के टी जो कितना लिख सकते हैं आप के वन डी डिवाइड्स एच ही जो क्या लिख सकते हैं एच वन डी इंटू आर. तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा बच्चों तो यहां से के वन डिवाइड्स एच वन आर. लेकिन के वन एच वन आपस में देखिए तो ये लिखा हुआ है आपने के वन और एच वन आपस में रिलेटिवली प्राइम है तो फिर के वन किसको डिवाइड करेगा एच वन को तो कर नहीं सकता तो के वन डिवाइड्स आर. ये ठीक है के वन डिवाइड्स आर. यस सर. यहां क्या था ये चलिए रख रहे आर डिवाइड्स के वन और अब आ रहा है के वन डिवाइड्स आर. तो इससे दोनों से क्या समझ में आया आप इस रिजल्ट रूल मान लीजिए. सो आर इक्वल टू के वन और के वन मतलब के अपॉन डी. तो आर क्या है आर ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर एच है या नहीं. तो डी क्या है जीसीडी ऑफ एस्ट्रोमेट्री. हो गया. तो के ए का ऑर्डर है अगर ए का ऑर्डर पता है तो ए की किसी पावर का ऑर्डर ढूंढना है आपको तो ये रिलेशन से डायरेक्ट कर लीजिए. बच्चों मैं समझा पाया आपको. यस सर. चलो ठीक है अगर ये हो गया तो अब चलिए मैं इसका एप्लीकेशन आपको समझाता हूँ. आप ही लोग बताएंगे आंसर जो न्यूमेरिकल है. फॉर एग्जाम्पल इफ ऑर्डर ऑफ टू इज 12 मॉड्यूलो 13 देन फाइंड ऑर्डर ऑफ टू स्क्वायर एंड टू क्यूब
modulo 13. ब्रैकेट के लाइन ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ टू जो है वो 12 है मॉड्यूलो 13 पर, ठीक हो गया। तो ऑर्डर ऑफ टू स्क्वायर कितना होगा, इस फॉर्मूले से सोचिए तो क्या लिखूं, बताओ यार। चलो छोड़ो, मुझे लगता है पूछना उचित नहीं है, खुद ही बताते जाए। ए का ऑर्डर जो फॉर्मूले में लिखा है के, तो अपॉन जीसीडी ऑफ टू और के मतलब 12 अपॉन टू और 12 का जीसीडी 2 आएगा तो 6 आ जाएगा। ऐसे ऑर्डर ऑफ टू क्यूब, तो 12 अपॉन जीसीडी ऑफ 3 और 12 तो ये 12 अपॉन 3 आएगा तो 4 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ 2 की पावर 4 ढूंढना है, 12 अपॉन जीसीडी ऑफ 4, 12 तो 12 अपॉन 4 मतलब 3 आ जाएगा। अच्छा, मैं अगर इसी प्रोसेस को इसी में थोड़ा सा और आगे कर दूं, ऑर्डर ऑफ 2 की पावर 5 ढूंढना है मुझे, तो 12 अपॉन जीसीडी ऑफ 5, 12 तो 12 अपॉन 1 तो 12 ही आया। आप लोग ये 2 की पावर 5 से कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं, कोई सोच सकते हैं? नहीं, चलिए ठीक है सर, पावर प्राइम आएगी तो 12 भी आएगा। इफ जीसीडी ऑफ, ऊपर राइट कॉर्नर में फॉर्मूला लिख रखा है वैसे क्लियर है, जीसीडी ऑफ एच ट्रोमा के 1 है देन ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर एच के हो जाएगा, मतलब ऑर्डर ऑफ ए ही हो जाएगा मॉड्यूलो एन, यही लगाते भी हैं हम वहां कि अगर एन से छोटे एन के साथ रिलेटिवली प्राइम आ जाए जो, तो वो सब जनरेटर होते थे साइक्लिक ग्रुप में और उनका ऑर्डर वही आता है जो 8 जनरेटर आ जाए बाकी का भी वही आना है, तो वहां जनरेटर शब्द से बोलते थे। तो अगर एच और के 1 आ जाता ऑब्वियस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर 1 हो जा रहा है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बच्चों मैं तो केवल सिखा सकता हूं, मेहनत तो आप ही की है। अगर ए का ऑर्डर 5n के बराबर आ रहा है उससे नीचे नहीं आ रहा है तो वो वाले जो इंटीजर हैं ए वो खास है और उन खास को कहते हैं प्रिमिटिव रूट्स ऑफ n। तो जो चैप्टर का नाम है वो अब जाके आना है, प्रिमिटिव रूट्स ऑफ एन, तो ये सीखेगा जरूर। अगर मेरे पास ऐसे चेतन एन हैज ए एज अ प्रिमिटिव रूट, प्रिमिटिव रूट, इफ दो चीजें होनी चाहिए, ए टू द पावर 5n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n एंड दूसरी होनी चाहिए बच्चों, ए टू द पावर k इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n For every k less than 5n, मतलब
ए का ऑर्डर जो है वो फाइव एन आना चाहिए, सीधी बात ये है। फाइव एन से छोटा ऑर्डर कोई के लोगे तो वो वन नहीं दे पाएगा। मतलब जिन एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है ना मॉड्यूलो एन पे, वो फाइव एन आ जाए तो उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं कि वो एन के प्रिमिटिव रूट्स हैं। क्या मैं समझा पाया? अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइव एन आ गया तो ऑयलर थ्योरम से हम जानते हैं कि ए की पावर फाइव एन कॉन्वर्जेंट वन तो होता ही है, लेकिन हमने अभी पिछले दो लेक्चर में ये देखा कि फाइव एन से पहले भी वन आ जाता है कई बार, किसी एलिमेंट का ऑर्डर कम होता है। उनको छोड़ो, वो एलिमेंट ढूंढो जिनका ऑर्डर फाइव एन ही आता है, वो एन के प्रिमिटिव रूट्स हैं। इसे भी क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब और कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल थ्री इज अ, मैं ये लिख रहा हूं प्रिमिटिव रूट ऑफ सेवन। व्हाई? तो इसका मतलब क्या दिखाना हुआ हमने? थ्री कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो सेवन पे तो वन ही देगा, थ्री देगा। थ्री स्क्वायर कितना देगा मॉड्यूलो सेवन पर? नाइन। टू थ्री टू पावर फोर देखा देंगे तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, फोर मॉड्यूलो दोनों को मल्टीप्लाई करो, थ्री टू पावर सिक्स तो यहाँ एट आ जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, तो वन आ जाएगा। या नहीं तो आपने इसको ऐसे लिखा या नहीं? थ्री टू पावर फाइव सेवन कॉन्ट्रेंट टू वन मॉड्यूलो सेवन है या नहीं? Yes. तो थ्री का जो ऑर्डर है वो फाइव सेवन है, मतलब सिक्स है। तो जिसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर फाइव एन आ रहा है तो वो एन का प्रिमिटिव रूट। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर का कोई नेचुरल नंबर और उसका ऑर्डर फाइव एन आ रहा है तो वो एन का प्रिमिटिव रूट है। भाई इतना ही समझना है बच्चों। तो प्रिमिटिव रूट क्या होता है? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। प्रिमिटिव रूट सभी लोगों को क्लियर हो गए हैं? तो डिफाइन लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। हेलो, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल का जो सवाल लास्ट में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था वो फिर दीपक ने मुझे भेज दिया था, तो अगर आप लोगों को भी वो लास्ट में कोई डाउट हो कुछ करना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं भेज दूंगा। और अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो एन प्राइम होने वाला जो था, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, बटन साहब की एक्सरसाइज रही है, प्रूव दैट फाइव 2 to the power n minus 1 is a multiple of n. Multiple of n for every n greater than 1. n कुछ भी रख लीजिए, 1 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर, तो जब उसका 5 निकालेंगे तो वो n का मल्टीपल ही आएगा। इसको कैसे करें? कोई हिंट?
अच्छा टू थ्री पावर एन माइनस वन अगर है और मैं मॉड्यूलो भी यही ले लू टू थ्री पावर एन माइनस वन तो जितना आइडियल कॉन्वेंट जीरो मतलब टू थ्री पावर एन इज कॉन्वेंट टू वन मॉड्यूलो टू थ्री पावर एन माइनस वन ये ठीक है yes. टू थ्री पावर एन माइनस वन से अगर डिवाइड करते हैं टू थ्री पावर एन तो रिमाइंडर वन आ रहा है चलो ठीक है अच्छा अब लेकिन टू का ऑर्डर क्या होगा हम ये देखते हैं ये तो टू थ्री पावर एन पे आ रहा है ठीक हो गया टू का ऑर्डर मान लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ टू बी के मॉड्यूलो टू थ्री पावर एन माइनस वन तो फिर इसका मतलब क्या हुआ टू थ्री पावर के कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड्यूलो टू थ्री पावर एन माइनस वन ठीक है yes. तो इसका मतलब हुआ टू थ्री पावर के माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड्यूलो टू थ्री पावर एन माइनस वन इसका मतलब हुआ कि टू थ्री पावर एन माइनस वन से जब आपने डिवाइड किया लेफ्ट हैंड साइड को तो रिमाइंडर जीरो आया तो इसका मतलब टू थ्री पावर के माइनस वन जो है वो सम कॉन्स्टेंट टाइम ए टाइम्स टू थ्री पावर एन माइनस वन होगा ठीक है ना अरे भाई जब आप एट कॉन्ग्रुएंट जीरो लिखते हो मॉड्यूलो टू तो इसका मतलब जो एट है वो सम कॉन्स्टेंट इनटू टू होगा या नहीं तो यहां भी लिख सकते हैं या नहीं ऐसा यस सर तो जो टू थ्री पावर के माइनस वन आपने ए टाइम्स टू थ्री पावर एन माइनस वन लिख दिया अच्छा अब जो ऑर्डर है वो नेचुरल नंबर होता है तो सिंस जो के है वो वन या उससे बड़ा ही होगा तो फिर टू टी पावर के ग्रेटर देन टू टी पावर वन ठीक हो गया दोनों साइड तो टू टी पावर के ग्रेटर देन वन मतलब टू टी पावर के टू या उससे बड़ा है तो वन से तो बड़ा ही होगा तो टू टी पावर के माइनस वन टू थ्री पावर एन माइनस वन से छोटा होगा अगर ये इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को आप देखेंगे तो इक्वेशन वन में जो है ये ऑर्डर है ये मतलब के इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच इक्वेशन टू इज ट्रू और आपने इक्वेशन वन में भी लिखा है टू थ्री पावर एन कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड्यूलो दिस तो इसका मतलब यहां से तो ये साबित होता है कि के डिवाइड्स एन हमने पढ़ा है ऑर्डर जो होगा ऐसे तो यहां से ये भी साबित होता है कि के अगर एन को डिवाइड करता है तो के लेस देन इक्वल टू एन होगा के या तो एन के बराबर होगा या ऐसा होगा yes. ना आपको पढ़ा है कि के जो होगा एन के बराबर होगा या उससे छोटा होगा और यहाँ पर टू थ्री पावर के टू थ्री पावर एन माइनस वन तो ट्रिवियल केस को छोड़ के बाकी जो लेस देन की संभावना है तो फिर इक्वेशन थ्री कब सही होगी जब के और एन बराबर हो और ए वन हो जाए क्योंकि दोनों तरफ के रिजल्ट आ रहे हैं ये भी आ रहा है आपके पास सो इक्वेशन थ्री इज ट्रू ओनली इफ ए इक्वल टू वन और के एन इक्वल टू के एन और के दोनों बराबर कर दीजिए तभी ये संभावना है आपके पास
चलो ठीक है, अगर एन और के बराबर कर दिया आपने तो इसका मतलब ए का ऑर्डर के मान रहे थे आप, एन लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं इसका मतलब ऑर्डर ऑफ टू इज एन मॉड्यूलो टू टू पावर एन माइनस वन। इस मॉड्यूलो पर टू का ऑर्डर ये है। ठीक, अच्छा नाउ ये बताइए प्लीज जीसीडी ऑफ टू और टू टू पावर एन माइनस वन कितना आएगा? टू टू की कोई भी पावर करेंगे हमेशा इवन इंटीजर आएगा, टू टू स्क्वायर टू क्यूब, और उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा? ऑड हो जाएगा टू टू पावर एन माइनस वन। तो टू और हाँ, तो टू और टू टू पावर एन माइनस वन का जीसीडी कितना आएगा? फिर वन ही होगा फिर हमेशा। तो बाय ऑयलर्स थ्योरम अगर ऐसा है टू टू पावर फाइव टू टू पावर एन माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड्यूलो टू टू पावर एन माइनस वन। ऐसा लिख सकते हैं। अभी क्या लिखा है आपने, टू का ऑर्डर क्या लिखा है ऊपर n, तो n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच सच टाइप ऑफ रिजल्ट इज ट्रू। भाई टू का ऑर्डर n है तो टू टू पावर n कॉन्वर्ट टू वन आना चाहिए मॉड्यूलो टू टू पावर n माइनस वन में, और टू की ये पावर में भी वन आ रहा है तो आपने जो पढ़ा है उस आधार पर n किसको डिवाइड करना चाहिए? एन डिवाइड दिस, और एन अगर इसको डिवाइड करता है इसका मतलब फाइव टू टू पावर एन माइनस वन इज अ मल्टीपल ऑफ एन। एन अरे भाई एन अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका एक फैक्टर एन आएगा या नहीं आएगा? चलिए ठीक है कोई बात नहीं, तो हम लोग अभी 7-10 पे फिर जुड़ते हैं आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। आप अगर एंजॉय कर पा रहे हैं तो जुड़िएगा प्लीज, अगर नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। थैंक यू।